हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ग्रामर के क्लासेस आपके चल रहे हैं और ग्रामर में आपको मजा भी आ रहा है। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं और जो फीडबैक आ रहा है ग्रामर का वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब तक आपने ट्रांसलेशन पढ़ा टेंसेस, अब आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। यदि आपको ट्रांसलेशन आता है, टेंसेस का ज्ञान है, तो आपके लिए एक्टिव पैसिव कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बहुत ही इजी है। जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूं आप उसको बिल्कुल फॉलो करते जाइए, कोई दिक्कत आपको कहीं पर भी पैसिव वॉइस बनाने में नहीं आएगी। तो आइए आज हम देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस वाले सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल। आपको मालूम है विल या शैल आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। इसमें कोई फ्यूचर टेंस में प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर वाली बात नहीं होती है। इसमें शैल हमेशा आई और वी के साथ आता है और बाकी सारे नंबर्स के साथ विल आता है। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर विल या शैल, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे प्रिंसिपल कल मुझे ऑफिस में बुलाएंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो एक्टिव वॉइस बनेगा, यानी जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है। द प्रिंसिपल विल कॉल मी इन द ऑफिस टुमारो। द प्रिंसिपल विल कॉल मी इन द ऑफिस टुमारो। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है मी। मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा और आई के साथ शैल लगता है, तो पैसिव वॉइस बनेगा आई शैल बी कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल इन द ऑफिस टुमारो। आई शैल बी कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल टुमारो। तो इस तरह बच्चों फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाते हैं। सेकेंड सेंटेंस है मीरा कल एक अमरूद खाएगी। मीरा कल एक अमरूद खाएगी, सिंपल फ्यूचर है, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट है। एक्टिव वॉइस बनेगा मीरा विल ईट ए गुआवा टुमारो। पैसिव बनेगा एक गुआवा, ऑब्जेक्ट है, पहले आएगा, ए गुआवा विल बी ईटन बाय मीरा टुमारो। तो इतने इजी वे से, इजी मैनर से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बना देते हैं। आप लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे के एक्सरसाइजेस को करने में आपको आसानी रहे। तो बच्चों आपने इन दो एग्जाम्पल्स को अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे, यानी नकारात्मक वाक्यों पे जिसमें नहीं लगा रहता है। निगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ नॉट लगा करके लिख देते हैं। तो पहले हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे। निगेटिव, NEGATIVE। निगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं।
विल या शैल के बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे प्रिंसिपल कल मुझे ऑफिस में नहीं बुलाएंगे, एक्टिव एस बनेगा द प्रिंसिपल विल नॉट कॉल मी इन द ऑफिस टुमारो। पैसिव एस बनेगा आई शैल, शैल के बाद नॉट, आई शैल नॉट बी कॉल्ड बाई द प्रिंसिपल इन द ऑफिस टुमारो। अगले सेंटेंस में आते हैं, मीरा कल एक अमरूद नहीं खाएगी, मीरा कल एक अमरूद नहीं खाएगी, निगेटिव बन गया नहीं लगाने से। एक्टिव एस बनेगा, एक्टिव एस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है, पैसिव एस उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पहले होता है। तो एक्टिव एस बनेगा मीरा विल नॉट ईट ए गुआवा टुमारो, पैसिव एस बनेगा ए गुआवा विल नॉट, ए गुआवा विल नॉट बी ईटन बाय मीरा टुमारो। यदि इसमें कुछ अदर वर्ड होता कि मीरा कल एक अमरूद पार्क में नहीं खाएगी, तो लास्ट में अदर वर्ड में जुड़ जाता इन द पार्क। घर पे नहीं खाएगी इन द हाउस, ऑफिस में नहीं खाएगी इन द हाउस, इन द ऑफिस, कैंटीन में नहीं खाएगी इन द कैंटीन। तो अदर वर्ड्स हम लास्ट में एक्टिव एस में जैसे अदर वर्ड्स रहता है, उसी तरह पैसिव एस में भी अदर वर्ड्स सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे के एक्सरसाइजेस को करने में आपको निगेटिव सेंटेंसेस को आसानी रहे। तो बच्चों आपने निगेटिव सेंटेंसेस को लिख लिया, अब बचता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल अफर्मेटिव और निगेटिव की तरह ही बहुत इजी है, यदि आप इसमें बिल्कुल मन से लग करके प्रैक्टिस करेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं डब्ल्यू वाले, फिर विल या शैल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि यदि सब्जेक्ट होगा तभी बाई आएगा, यदि सब्जेक्ट नहीं होगा तो बाई नहीं आएगा। जैसे यदि सेंटेंस है क्या कल मुझे बुलाया जाएगा, क्या कल मुझे बुलाया जाएगा, तो इसका पैसिव एस बनेगा। ये सेंटेंस हिंदी में भी पैसिव एस में है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, किसके द्वारा बुलाया जाएगा यह मालूम नहीं है। तो क्या कल मुझे बुलाया जाएगा, इसका पैसिव बनेगा, हिंदी में भी पैसिव है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा शैल आई बी कॉल्ड, क्या कल मुझे बुलाया जाएगा, शैल आई बी कॉल्ड टुमारो।
किसके द्वारा? अगर प्रिंसिपल के द्वारा होता है तो बाय द प्रिंसिपल, अगर टीचर के द्वारा होता है तो बाय द टीचर, तब सब्जेक्ट आ जाता। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं कि अक्सर कभी कभी क्या होता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो हम बाय नहीं लगाते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, क्या मीरा कल एक किताब लिखेगी? क्या मीरा कल एक किताब लिखेगी? एक्टिव वॉइस बनेगा विल मीरा राइट ए बुक? टुमारो पैसिव वॉइस बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। ए बुक इसमें ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा विल ए बुक, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा है, पहले वाक्य में क्या आया है और जब वाक्य में क्या आता है पहले तो उसकी इंग्लिश वर्ड हम नहीं लिखते हैं, सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो एक किताब के लिए विल आएगा, विल ए बुक, विल ए बुक। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, राइट रोट रिटन, विल ए बुक बी रिटन बाय मीरा टुमारो? ये पैसिव वॉइस बन गया। जो ब्लू वाला है ये एक्टिव वॉइस है और जो ब्लैक है वो पैसिव वॉइस है। एक और सेंटेंस लेते हैं, रमेश कल तुम्हें रमेश कल तुम्हें एक पत्र क्यों लिखेगा? तो यहां पे क्यों आया है? Why? एक्टिव वॉइस बन रहा है, सब्जेक्ट पहले। Why will रमेश राइट ए लेटर to you tomorrow? तो बच्चों इस पे ध्यान दीजिए कि रमेश कल तुम्हें एक पत्र क्यों लिखेगा? Why will रमेश write a letter to you tomorrow? क्यों आया है? तो why पहले आ गया, रमेश के लिए will आया, क्योंकि शायद सिर्फ I और V के साथ आता है। अब जब एक पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट है एक पत्र, तो वाई विल ए लेटर, वाई विल ए लेटर, वाई विल ए लेटर। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, Why will a letter be written by Ramesh कार्य करने वाला रमेश है इसलिए रमेश लिखे to you tomorrow? Why will a letter be written by Ramesh to you tomorrow? तो आपने देखा
ये जो ब्लू वाला है एक्टिव वॉइस है और जो ब्लैक है पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है। इस तरह से हम इंग्लिश में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। आप इन दोनों एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आपने इसे नोटबुक में यानी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक सेंटेंस बचा है, आप बताइए कौन सा सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। जैसे विल या सेल्फ विल से ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। क्या मीरा कल ये किताब नहीं लिखेगी? विल मीरा नॉट, विल मीरा नॉट राइट ए बुक टुमारो। पैसिव बनेगा विल ए बुक नॉट, विल ए बुक नॉट बी रिटन बाय मीरा टुमारो। सेकेंड है, रमेश कल तुम्हें एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा? क्यों नहीं। एक्टिव बनेगा व्हाई विल रमेश नॉट, व्हाई विल रमेश नॉट, व्हाई विल रमेश नॉट राइट ए लेटर टू यू टुमारो। पैसिव बनेगा व्हाई विल ए लेटर नॉट बी रिटन बाय रमेश टू यू टुमारो। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में यानी जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है और पैसिव वॉइस में जिसमें ऑब्जेक्ट पहले होता है ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है सारे टेंसेस में। इसमें एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। सारे टेंसेस के परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आप इस चीज को नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और यदि आपका कोई काम बाकी है टेंसेस का या पैसिव वॉइस का तो मेरे चैनल के ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ सारे टेंसेस पैसिव वॉइस और ग्रामर के सारे चैप्टर्स उसमें हैं। उसमें वीडियोस को देख करके आप ग्रामर के सारे चैप्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं और एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आज हमने पढ़ा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। आप बहुत मन से इन वीडियोस को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। इससे आपके नंबर्स एग्जाम्स में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बेस्ट ऑफ लक।